देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी जावेद अहमद मट्टू गिरफ्तार हो गया। आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में उसकी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इन अ मेजर ब्रेक थ्रू स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। ये काफी लंबे अरसे से स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा कि स्पेशल सेल का मैंडेट है, तो आगे की जो रिपब्लिक डे का भी ऑनकमिंग इवेंट है, उसके मद्देनजर एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलोंग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद, आगे फर्दर कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम एक मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया। बाद में आतंकी की पहचान हिजबुल कमांडर के तौर पर हुई। सामने आया कि पकड़ा गया आतंकी हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू है। मट्टू पाकिस्तान भी जा चुका है और वो सोपोर का रहने वाला है। हाल ही में सोपोर में उसके भाई ने घर में तिरंगा लहराया था, जो काफी वायरल हुआ था। दरअसल जावेद मट्टू A++ ग्रेड का आतंकी है, साथ ही हिजबुल का ये लास्ट A++ ग्रेड का आतंकी है और खूंखार आतंकियों का कमांडर है। इसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन और चोरी की गाड़ी बरामद हुई। जावेद मट्टू ने 5 ग्रेनेड अटैक किए और 5 पुलिस वालों की हत्या में भी शामिल रहा। इसके कई साथी पाकिस्तान में हैं। पुलिस के मुताबिक कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी को गिरफ्तार किया।